कार्रवाई नहीं की है। अब इसको लेकर खाड़ी के देशों में जो नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है वो ये है कि वहां एक आंदोलन शुरू हो गया, अरब देशों में एक आंदोलन शुरू हो गया है। उस आंदोलन में मांग उठ रही है जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर चुका है कि भारत के लोगों को यहां से नौकरियों से बाहर निकाल के सबको डिपोर्ट करो। खास तौर पर अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ईसीआर। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, स्पेशली यहाँ पे हम इंडियन हिंदूज की बात करेंगे जिनको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अरब कंट्रीज़ की जानिब से उनको निकाला जा रहा है और ये बायकॉट का सिलसिला जो है अभी तक जारी है। हिंदुओं को निकाला जाए ये ट्रेंड जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको शेयर कर रहे हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ बेसिकली हिंदू जो है बुरी तरह फंस चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कि इंडिया की गवर्नमेंट है उनकी रहनुमा की जो बयान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको लेके, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं सारे हिंदुओं को फेस करना पड़ रही हैं। तो यहाँ पे जो गालियाँ हैं वो भी मोदी को ही दी जा रही हैं और काफ़ी सारे जो अरब कंट्रीज़ में काम करने वाले हिंदू थे वो वापस अपने मुल्क वापस आ गए हैं और आके मोदी को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ पे जो हिंदुओं को निकाला जा रहा है उसकी वजह से काफ़ी सारा गैप है, जॉब्स का गैप है जो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है कंट्रीज़ को हो रहा है, लाइक पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, ठीक है, श्रीलंका और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाने वाली हैं। ऑलरेडी बांग्लादेशी काफ़ी सारे इस जो मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ पे जी इंडियन मीडिया को बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और बहुत ज़्यादा जो है ना उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है और वो ब्लेम भी कर रहे हैं कि इसने किया है, इसकी वजह से हुआ है। हालांकि जो कुछ भी हुआ है वो मोदी के जो ठीक है पार्टी के लोग हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दिए गए उसके बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जैसे सबको पता है इंडिया की जानिब से हमेशा ब्लेम किया जाता है किसी ना किसी दूसरे बंदे को बजाय इसके अपने ठीक है जो मिस्टेक्स हैं उनको सॉल्व करने के ये चीज़ की जाती है। वेल अभी ये रिपोर्ट में आप लोगों से शेयर करूँगी इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, ये अभी आप लोगों ने देखना है। आई एम श्योर आप लोगों को भी देख के मज़ा आएगा देखने का, ठीक है। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं देखते हैं। कार्रवाई नहीं की है। अब इसको लेकर खाड़ी के देशों में जो नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है वो ये है कि वहाँ एक आंदोलन शुरू हो गया, अरब देशों में एक आंदोलन शुरू हो गया है। उस आंदोलन में मांग उठ रही है जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर चुका है कि भारत के लोगों को यहाँ से नौकरियों से बाहर निकाल के सबको डिपोर्ट करो, खास तौर पर जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों के नौकरी को, वहाँ के रहने को, सबको अरब देशों के अंदर खतरे में डाल दिया है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर बीजेपी की संवैधानिक कार्रवाई नहीं करने की वजह ने, मैं आपको दिखाता हूँ, साउथ एशियन जर्नल ने इस खबर को छापा है, शेयर किया है और न्यूजीलैंड के हेरल्ड ने, जो अखबार है न्यूजीलैंड का, उसने छापा है। आप सोचिए कितना बढ़ चुका है। और फिर यही बताऊंगा आपको इसके बाद कि अमेरिका में क्या प्रदर्शन हुआ है वहाँ की सड़कों के ऊपर बीजेपी सरकार के खिलाफ। आप सोचिए कि ये इतना बड़ा मामला हो चुका है कि जिसकी कल्पना शायद पूरी भाजपा ने नहीं की थी। लेकिन जो साउथ एशियन जर्नल ने शेयर करके लिखा है न्यूजीलैंड के हेरल्ड के अखबार का खबर को, इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। ट्विटर में इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, कॉल फॉर हिंदूज टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम द गल्फ। एक मांग उठी है हिंदू जो साथी हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं खाड़ी के देशों में उनको डिपोर्ट करने की, खाड़ी से जो अत्याचार भारत में मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं उसके खिलाफ। मैं इसका बिल्कुल हितैषी नहीं हूँ कि मेरे हिंदू भाई बहन बीजेपी के और बीजेपी के समर्थकों की हरकतों की वजह से परेशानियाँ उठाएं, लेकिन क्या दिन दिखाए हैं बीजेपी की सरकार ने, ये आपके सामने है। ये हेरल्ड का जो अखबार है, मीडिया हाउस है, nzherald.co.newzealand, ये आपके सामने है। इसमें लिखा है कि ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मानव अधिकार भारत में, एक मांग उठी है खाड़ी के देशों के अंदर कि हिंदू धर्म के लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए खाड़ी से, जिस तरह से भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है। हमारे घर के विवाद को पैगंबर साहब पर टिप्पणी करके और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया और हम अकेले खड़े हैं और पूरी दुनिया के 50-60 देश एक तरफ खड़े हुए हैं।
आगे जो अखबार में लिखा है बहुत डिटेल में लिखा है न्यूजीलैंड के अखबार में, और इन्होंने लिखा है कि भारत में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय है मुसलमानों का जो बढ़ते जा रहे हैं उसके खिलाफ ये मांग गल्फ में खाड़ी के देशों में अरब देशों के अंदर उठ रही है। टेंशन बढ़ते जा रहे हैं नुपुर शर्मा के टिप्पणी को लेके, जब से बीजेपी ने जो बीजेपी को बिलोंग करती थी और उसकी उसमें जिस तरह से टिप्पणी करी पैगंबर साहब के ऊपर, और ये आगे लिखा है इसके अंदर कि फिर पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश है जो भारत का, इस बार उसी को मौका नहीं मिला बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामिक देश थे वो इस पूरी लड़ाई के अंदर कूद पड़े। लेकिन उसके बाद अरब देशों में इनका कहना यह है न्यूजीलैंड के हेरल्ड का, अरब देशों के अंदर गुस्सा इस बात पर और बढ़ा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर साहब के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरे थे नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने, उनमें से 400-500 को गिरफ्तार कर लिया गया और कई घरों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो भारत के अंदर मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर है, भारत का एक राज्य है, वहाँ पर उसने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इसको लेकर और गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है और संबंधों के अंदर आँच आ रही है। इन्होंने आगे कुछ लोगों के ट्वीट्स कोट किए हैं और इनका कहना है एक ट्वीट के अंदर जो अल खुलबनी ने किया है जिसमें लिखा है कि एक मांग और उठी है कि भैया सीरियन इराकी और यमनी जो रेफ्यूजीज हैं उनको रखा जाए भारत के लोगों के जगह पे। ये इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर इस ट्वीट में आंकड़े दिए हैं कि 34 लाख भारतीय यूएई में, 25 लाख भारतीय सऊदी अरेबिया के अंदर और 10,29,000 कुवैत में, 7,89,000 ओमान में, 7,56,000 कतर में और 3,32,000 बहरीन के अंदर हैं। इन सब को डिपोर्ट किया जाए और इनकी जगह पर यमनी सीरियन और इराकी जो शरणार्थी हैं रेफ्यूजी हैं उनको नौकरियों पर रखा जाए इनकी जगह पर, ताकि हम ऐसे लोगों को बचा सकें जो हमारे वह मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। किस जगह पर लाके खड़ा किया है मोदी सरकार ने, ये हैरान कर देने वाली है। हमारा भारत जाना जाता था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और आज हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर वहाँ खतरा मंडराने लगा है खाड़ी के देशों में, जो लगभग जिनकी संख्या पूरी अगर मिलाई जाए 70-80 लाख क्रॉस करती है, उन सब की नौकरियों पर आ चुकी है सिर्फ एक बीजेपी और अनभक्तों की इन हरकतों की वजह से। ये आपके सामने है सारी की सारी चीज़ें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी निंदा करी है कि जिस तरह से क्रैकडाउन चल रहा है मुस्लिम प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो बंद होना चाहिए, और उन्होंने उस वीडियो के का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर किया है जिस वीडियो को बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने शेयर किया जिसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चों को लाठियों से बुरी तरह से बर्बरता के साथ पुलिस की कस्टडी के अंदर मारा जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड के अखबार में छपी हैं और ये एक बहुत बड़ा विषय है। साउथ एशियन जर्नल ने इससे पहले ये भी छापा था कि एक अरब के शेख ने पैगंबर साहब के विवाद के ऊपर जो विवाद बड़ा पैगंबर साहब के नाम के ऊपर नूपुर शर्मा का, अपने सारे भारत के जो हिंदू समाज के लोग थे उनको नौकरियों से निकाल दिया, और उसने खुद उसको ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने उनके टिकट के पैसे भी दे दिए हैं, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार की वजह से मैं इनको वापस भेज रहा हूँ क्योंकि वो हमारे पैन। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है न्यूजीलैंड की जो अखबार है उसमें जो आर्टिकल छपा इसके बारे में कि किस तरह ट्रेंडिंग में जा रहा है हिंदुओं को निकालो, इस चीज़ को लेके जो ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा और उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही वो इंडियन हिंदूज़ को, जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो मोदी सरकार है उसकी वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि उनकी नौकरियाँ जो हैं वो दाव पे लग गई हैं और उनको जी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की वजह से इस बुनियाद पे निकाला जा रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत किस्म की जो बातें हैं वो करते हैं। तो यहाँ जो चीज़ हो रही है उससे इंडियन गवर्नमेंट को सबक हासिल करने की ज़रूरत है क्योंकि स्टिल एक्शन नहीं लिया गया। नूपुर शर्मा को छुपा दिया गया, कहीं गायब कर दिया गया और पता नहीं क्या सोच के इन्होंने किया, लेकिन क्योंकि कंट्रीज़ की जानिब से ये डिमांड की जा रही थी कि उनको जी अरेस्ट किया जाए, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया और इसके अलावा जो है उनको पार्टी से तो निकाला गया, अरेस्ट नहीं किया गया। सो जिसकी वजह से जो है अभी तक ये जो ट्रेंड है वो चल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने नौकरियों की बात की कि 70-80 लाख जॉब्स हैं जो कि हिंदू कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी है जो कि इन कंट्रीज़ में कर रही है,
तो यहाँ से जब इनको निकाला जाएगा तो जो गैप क्रिएट होगा वहाँ पे सब के सब जो हैं यमनी और जितने रेफ्यूजी टाइप जो हैं उन लोगों को जॉब्स दी जाएंगी ताकि वो अपनी लाइफ में थोड़ा से आसानियाँ पैदा कर सकें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुसलमानों को प्रेफर किया जा रहा है और अब हिंदुओं को निकाला जा रहा है। तो इसकी वजह मोदी और मोदी की गवर्नमेंट है। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो इंडियन मीडिया है यहाँ पे अब आखिरकार जो है सच कहने पे मजबूर हो गया और इसके अलावा उनके पास कोई और बात नहीं थी कि वो करें, ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने बात की कि मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इंडिया के अंदर उस पे भी काफ़ी तनकीद की गई है कि उसको रोका जाए और स्टॉप किया जाए। और बच्चों पे जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, जेलों के अंदर उनको फेंक के बहुत जुल्म हो रहा है। और बहुत अफसोस के साथ कब मोदी को अकल आएगी, विश के इसके बाद शायद थोड़ी सी अकल आ जाए, आई डोंट नो कब अकल आएगी। वेल आप लोगों की जो ओपिनियन है आप लोगों ने लास्ट भी शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लास्ट भी शेयर करना है आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।